वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं एज ऑलवेज माय डियर फ्रेंड हुमा खान और मीना चोपड़ा जी, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, पिछले सेगमेंट में भी थी, इस सेगमेंट में भी हमारे साथ हैं। एक आर्ट एंड पोएट्री शो है जिसके बारे में बातचीत इस सेगमेंट में करेंगे। वेलकम बैक मीना जी। थैंक यू वेरी मच अगेन मीना जी, इट्स अ टोटल प्लेजर कि आप आई हैं। पहले भी आप साउथ एशियन फोकस टीवी पे आती हैं, यू आर एन आर्टिस्ट और आप एक लोकल आर्टिस्ट हैं। आपको देख के मुझे लगता है कई लोगों को शिक्षा मिलती होगी, प्रेरित होते होंगे लोग कि हम भी कुछ करें। तो पहले तो आप शॉर्ट में अपनी बैकग्राउंड बताइए और फिर आगे हम इस आर्ट एंड पोएट्री शो के बारे में बात करते हैं। मेरा बैकग्राउंड तो खैर आर्ट के बारे में ही बात करते हैं, बैकग्राउंड तो दो तीन चार पांच चीजों में है, लेकिन आर्ट से मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। आर्ट मेरे अंदर है, बाहर है। तो does that mean visual art या पोएट्री में भी आप डबल? विजुअल आर्ट एंड पोएट्री, दीज आर द टू जॉनर्स और टू डिसिप्लिन्स आई फॉलो कमिटेडली। तो आपके ये बड़े खूबसूरत डिस्प्लेज हैं of two pieces that you've done, very nice. तो what is the general medium that you use? Normally मैं पसंद करती हूँ oil on canvas, और ये जो pieces हैं ये मेरे नए हैं, ये dry pastels use किए हैं। dry pastels मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ पिछले काफी सालों से, और ये काम मेरे बहुत नए काम हैं जो पहली बार कनाडा में शो होंगे। जी मीना जी, दोनों चीजों को जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट हो जाता है जब आप आर्ट एक आर्टिस्ट हैं, उस तरीके से आप पेंटिंग करती हैं पर साथ में आप पोएट्री को भी लिख देती हैं। सो हाउ इजी और हाउ आई शुड से हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डू बोथ ऑफ देम टुगेदर? इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू नो द व्हाट यू आर टचिंग एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम वेयर ऑल द क्रिएटिविटी कम्स, बट देयर इज दिस फैक्टर ऑफ इमेजरी इन बोथ। So whether it comes out in a language or words, or it can come through colors, it could come through any other medium also. But in my case, it comes out in poems and it comes out in visual art. And now, I like anything, they tend to sometimes, without you consciously doing it, they tend to complement each other. Yes. And yes. I think that would be, जिस तरह होता है ना एक signature होता है artist का, आप यार रहमान का कोई भी music सुन ले, कभी कभी you can distinguish के who composed it. Yes. So do you think that's because it is both, you know, both things are being done by you? I think that's why they complement each other. Yes. Yes. Yeah. Absolutely. So, because this is where you know, actually your subconscious brain is playing. It's not you, something else underneath you plays whenever your creativity is touched by anything, you know, your outside, inside, within, without, so. Right. आपने जो ये दोनों चीजें जो हम देख रहे हैं abstract के करीब है लेकिन abstract नहीं है। जी। I've always wondered, अगर मैं एक layman होते हुए ये question पूछता हूँ जिसको आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा नहीं पता है, एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश जो आर्टिस्ट करते हैं क्यों करते हैं, क्या क्या उससे प्रूव करना चाहते हैं? बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इसका एक बड़ा सिंपल, कोशिश नहीं करते हैं, होता है, यू नो, आर्टिस्ट इज कंपेल्ड टू डू दैट, इट कम्स आउट फ्रॉम अंडरनीथ एज आई सेड। इसका जो सबसे सीधा सा है, कभी आप ड्रीम देखते हैं ना तो बड़ी अजीब अजीब चीजें होती हैं ड्रीम्स में, है ना? जी। क्योंकि उस वक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड आपका सतह पे आता है, तो वही आर्ट को हम ड्रीम लाइफ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, चाहे पोइट्री, आर्ट, म्यूजिक, एनी सॉर्ट ऑफ लाइफ। सो इट इज कमिंग फ्रॉम अंडरनीथ। Nice way you put it, because मुझे लगता है ये answer भी मैं भूलूंगा नहीं। Easiest way to put it, there are very funny things. तो आपका personal favorite मतलब क्या है? Do you like more traditional or do you enjoy abstract more? I like anything. You like anything. There are moods. I could be traditional. I could go towards traditional work also. I love to see that also, as long as it has got that depth, you know. Mood की भी बात है, और वो artist का कोई काम है, अगर किसी और artist का वो बहुत traditional है, लेकिन अगर वो उस depth को छू के निकला है
तो उसमें मज़ा आता है. और बहुत मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्ट है, पोइट्री है, आर्ट है, लिटरेचर है, अगर वो उस डेप्थ को निकल के तो उसमें मज़ा आता है, या रहमान को सुनने में मज़ा आता है. और फिर अगर आप बहुत पीछे जाएं तो एसडी बर्मन को सुनने में मज़ा आता है ना. आप मीना जी इस गो अहेड वही कह रही थी कि हर आर्टिस्ट का एक अलग सिग्नेचर होता है कि कभी कभी पता चल जाता है. ये तो जरूर होता है, अगर अगर सिग्नेचर नहीं है तो फिर फिर आर्ट उस आर्टिस्ट में डेवलप हो रहा है, शायद उतना नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन सिग्नेचर आ जाता है जब वो उस आर्ट में कमिटेड है तो. मीना जी जैसे ये आर्ट एंड पोएट्री शो आपका होने वाला है 27th ऑफ सितंबर को, पहले भी आपने काफी ऐसी चीजें की हैं. रिस्पांस हर आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है जी. आपके लिए पर्सनल लेवल पे रिस्पांस जो होता है वो कितना ज्यादा मायने रखता है? रिस्पांस बहुत मायने रखता है, लेकिन रिस्पांस अगर बहुत ज्यादा भी ना हो लेकिन जो समझने वाले हैं उनके साथ बड़ा मजा आता है. फिर उनके साथ गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, उनकी एक आंख होती है जिससे वो उस काम को देखते हैं. वो एक बहुत जबरदस्त लर्निंग प्रोसेस भी होता है आर्टिस्ट के लिए. और एक्सपोजर तो अच्छा है दोनों के लिए, आर्टिस्ट के लिए भी और जो देखने वाला है उसके लिए भी. अब तो कनाडा में ये कॉन्शियसनेस भी बहुत आ गई है पब्लिक आर्ट की, कि आर्ट पब्लिक प्लेसेस में भी जाए और आम आदमी के दिल में उतरे. तो उसी से आर्ट अगर डेवलप होगा तो हर आदमी की पर्सनालिटी डेवलप होगी, वो निखरेगी, कंट्री निखरेगी. तो मीना जी जाने से पहले प्लीज अपने ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस आप दे दें. हाँ, मेरा ब्लॉग स्पॉट जिस पे आप जा सकते हैं, मीना चोपड़ा, MEENA मीना चोपड़ा डॉट मीना, सॉरी मीनाज आर्ट वर्ल्ड, MEENA मीनाज आर्ट वर्ल्ड डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. एंड वी विल बी बैक विद लॉट्स मोर. डोंट गो एनीवेयर. The Radiance of Culture Days Canada for the 5th annual Culture Days on September 26 to 28, 2014 at Sampraday Dance Creation 3250 Ridgeway Drive, Mississauga. Doors open on September 27th, 10 a.m. to 4 p.m. For more info, meenasartworld.blogspot.ca. वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं. मेरे साथ हैं एज ऑलवेज हुमा खान. हुमा दो खास मेहमान हैं, मिस टीन विक्टोरिया बर्टोलो जो कि डेलिकेट गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल हैं, और साथ ही साथ एसपी वारीवाला, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द मिस यूनाइटेड